नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा बुक लिस्ट एंड टाइम टेबल, कौन सी किताबें पढ़ी जाएँ, किस तरीके से पढ़ी जाएँ इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, और दूसरी चीज़ कैसे अपने मोटिवेशन को मेंटेन करके रखें, क्या गलतियां हैं जिनको नहीं करना है या नहीं दोहराना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। इससे पहले 2 या 3 दिन पहले मैंने आपको इस एग्ज़ामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड कुछ समरी प्रेजेंट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन की डेट्स क्या हैं, सीट्स कितनी हैं, ऐड हो सकती हैं, सिलेबस में किस प्रकार का बदलाव है। ये सब चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताई थी, समराइज वे में बताई थी, और थोड़ा सा ये भी बताया था कि किस तरीके की आपको स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए। मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूँगा जहाँ से छोड़ा था। काफ़ी लंबा हो रहा था, एक ही साथ सब चीज़ों को समेट पाना, नोटिफिकेशन की ब्रीफिंग देना, सिलेबस में आए बदलावों को समझाना, और फिर कैसी स्ट्रैटेजी हो उसको डिस्कस करना, एक साथ थोड़ा सा लंबा हो पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वहीं पर ही उसको छोड़ा। ये आज की जो ये रिकॉर्डेड सेशन है, आज का जो ये वीडियो है, ये बेसिकली उसी के ही कंटिन्यूशन में है। यानी कि जितनी बातें वहाँ पर समझाई गई थी उनको आपको अपने दिमाग में रखना है, और ये एडिशनल चीज़ें खासकर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी बुक लिस्ट और आपके टाइम टेबल और किस तरीके से अपने मोटिवेशन को मेंटेन करके रखना है उस पर आधारित है। पिछले सेशन में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 150 नंबर GS और 150 नंबर जो है वो आपका एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग GS पेपर 2 कह देते हैं, CSAT एंड एप्टीट्यूड कहा जाता है उसको, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग इत्यादि इत्यादि आती है, वो हमारा सिलेबस है। GS में किस तरीके से क्या आपको पढ़ना है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो बदलाव आया है, एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम चलता था जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी की वेटेज रहती थी, करीब करीब 1/3 पेपर जो है वो आमतौर पर इन दो सब्जेक्ट से ही मिलकर हो जाता था, उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पैटर्न में भी और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है उसमें भी इस प्रकार का बदलाव आ चुका है। हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मानेंगे वो है उत्तराखंड GK, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसी की ही है। नोटिफिकेशन में भी कह दिया गया है कि कम से कम 1/3 जो प्रश्न हैं वो इससे पूछे जाएंगे, यानी कि 50 तो हैं ही, 55-60 तक क्वेश्चन जो हैं वो इस सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब जब ये नोटिफिकेशन में कह दिया गया है कि 1/3 1/3 जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही पूछे जाएंगे, तो इसका मतलब हो सकता है या हो गया है कि उत्तराखंड अपने आप में एक सिलेबस बन गया है। अब आपको उत्तराखंड भी उसी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है जिस तरीके से आप ओवरऑल GS को पढ़ते हैं, यानी कि अब आपको उत्तराखंड को भी ब्रेक कर लेना है उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में, उत्तराखंड की पॉलिटी में, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स में, उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में। मतलब सिर्फ आप सोचेंगे उत्तराखंड से 50 क्वेश्चन है और बेलगाम तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि ठीक है उत्तराखंड आएगा,
पर आप उसमें से ये नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं कि उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, आर्ट एंड कल्चर, वैसे ही जैसे कि इंडिया का होता है ना, जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई इंडिया की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और इसकी पढ़ाई भी वैसे ही करनी है, जैसे कि हिस्ट्री है तो ये आपको एंशंट, मिडिवियल, मॉडर्न में डिवाइड करना है, अप टू उत्तराखंड आंदोलन तक आपको यूके की हिस्ट्री में लेना है, वैसे ही डिवाइड करना है, जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशंट, मिडिवियल, मॉडर्न, वैसे ही आप उत्तराखंड की हिस्ट्री को डिवाइड करिएगा एंशंट, मिडिवियल, मॉडर्न, मॉडर्न में फिर फ्रीडम स्ट्रगल और अप टू उत्तराखंड आंदोलन, जब उत्तराखंड बना 2000 में तब तक आपको लेना है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की ज्योग्राफी में आप यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, यहाँ की पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी यहीं पर ही आएगा, यहाँ की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइंस हैं, मिनरल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको यहीं पे देखनी है। और इसके अलावा उत्तराखंड की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी कि उत्तराखंड की पॉपुलेशन, सेंसस डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है जिस तरीके से ज्योग्राफी का एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट डिवाइडेड होता है, वैसे ही जब उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ेंगे तो उत्तराखंड की पॉलिटी में यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हुई हैं, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो पंचायतें हैं, यहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको, जैसे कि आप, मतलब ये आपकी सरलता के लिए होगा, ये इसलिए होगा कि आपसे कुछ छूटे ना, अदरवाइज आप अहम चीज़ों को छोड़ सकते हैं अगर आप इस तरीके से ना पढ़ें। तो जैसे आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है यार इंडिया की हिस्ट्री में मेरे को ये एक एंशियंट पीरियड पढ़ना है, एक पोस्ट गुप्ता पढ़ना है, एक प्री गुप्ता पढ़ना है, एक मॉडर्न में फ्रीडम स्ट्रगल मेरा भी छूट रहा है, मॉडर्न में मेरे को जरा लेटर मुगल्स छूट रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको मालूम होना चाहिए यार कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न उत्तराखंड हिस्ट्री तो तैयार की नहीं है, मिडीवियल तो तैयार की नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी तो अभी उत्तराखंड की रह गई है। तो अपनी नोट्स में, अपनी कॉपीज में भी आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इसी तरीके से पॉलिटी में यहाँ का लेजिस्लेचर, पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए सिलेबस को जितना डिवाइड करके पढ़ेंगे, जितना डिवाइड करके तोड़ देंगे, वो आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा और उतना ही कंप्लीट हो जाएगा। रैंडम तरीके से पढ़ने में कि बस उत्तराखंड पढ़ना है तो उत्तराखंड से कहीं पर कुछ भी मिल रहा है और आप उठाकर पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपको नोट्स में, बुक्स में ना मिले, वो आपसे मिस हो जाएंगी। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड की जीडीपी कितनी है, उत्तराखंड का लेटेस्ट बजट कितना है, उत्तराखंड की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो क्या चल रही हैं, अगेन जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं, यहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उसका लोकेशन क्या है, बिल्कुल वही चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिलते हैं वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, अगेन यहाँ के टेम्पल्स कहाँ पे हैं, रिलीजियस प्लेसेस कहाँ पे हैं, सेक्रेट श्राइन्स कहाँ पे हैं, यहाँ के जो फेमस फोक डांसेस हैं वो क्या हैं, यहाँ के जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं आर्ट एंड कल्चर में वो क्या हैं, उनके बारे में, एंड उत्तराखंड का करंट अफेयर, यानी कि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, या फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिसने उत्तराखंड को काफ़ी बदल कर रखा है, या उत्तराखंड में वो महत्वपूर्ण रहा है। राइट, करंट अफेयर को जब बच्चे कई बार पूछते हैं सर करंट अफेयर कब से पढ़ना है, तो उसका उत्तर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि करंट अफेयर कब से पढ़ना है, आमतौर पर एग्जाम के 6 महीने से आप पहले पढ़ लें, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है, या वो घटनाएं अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वो 3-4 साल तक के लिए उनको याद करा जाता है, उनको पढ़ा जाता है, वो अपने आप में एक केस स्टडी बन जाती हैं, तो उन घटनाओं को आपको शामिल कर लेना चाहिए। अब जैसे कि उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल कब लगा था पहली बार, अब जाहिर सी बात है कि जो करंट अफेयर तैयार करेंगे शायद नहीं पढ़ेंगे, पर ये उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल अपने आप में एक विशेष घटना हुई थी जो पहली बार लगी थी, तो आपको ये चीज़ जो मालूम होनी चाहिए। या उत्तराखंड का कुछ मेजर डिजास्टर, भले ही इसको वो 6 महीने की कवरेज में ना आए, जब आप जुलाई में पेपर देने जाएं तो हो सकता है आप उत्तरकाशी डिजास्टर जो है, टनल कोलैप्स, वो ना पढ़, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण चीज थी, वो आपको उसमें
शामिल कर लेनी होती है। तो इस तरीके से 50, 55, 60 तक उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। उत्तराखंड की अपनी एक स्पेशल कॉपी बना लेनी है और आपको वो कॉपी बनाकर उसमें इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है। एक सेक्शन होना चाहिए एंशंट हिस्ट्री, मिडिवियल, मॉडर्न का। अब हम डिवाइड करें अगर इसमें भी, तो करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री के हो सकते हैं। ये एक बड़ा पार्ट बनेगा। उत्तराखंड ज्योग्राफी के करीब करीब 6 से 8 क्वेश्चन उत्तराखंड ज्योग्राफी के हो सकते हैं। 4 से 5 जो हैं वो पॉलिटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है, 8 से 10 हो सकते हैं। और करंट अफेयर भी 8 से 10 या 12 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट, लोअर साइड पे लिए हैं मैंने, है ना। हो सकता है कि वास्तविकता में ये थोड़े अधिक भी हो जाएं। राइट, अधिक कहाँ से हो सकते हैं? उत्तराखंड हिस्ट्री से थोड़ा बढ़ सकता है। ज्योग्राफी मुझे लगता है कि 6-8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए काफ़ी रहते हैं, पर ये 8-10 की जगह 12-15 तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक विशेष चीज़ होती है। और जब हम उत्तराखंड आंदोलन तक पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए भी होंगे, ये बढ़ सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड जो आर्ट एंड कल्चर है, इसके क्वेश्चन भी थोड़े से और अधिक भी हो सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर बहुत डाइवर्स है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़कर भी हो सकते हैं। राइट, तो लगभग लगभग 50, 55 और 60 के बीच में आप ये मान के चलें। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है मार्क्स का, इस तरीके से होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ओवरलैपिंग भी होगी, जैसे कि उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चन जो हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है कैसे उसका फ़ायदा उठाएं। उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते टाइम उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर के कई क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। उत्तराखंड ज्योग्राफी पढ़ते टाइम उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, खासकर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, या फिर आपका जो अपना स्टेट का डायमेंशंस हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, वो पॉलिटी वाला सेक्शन आपका ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ओवरलैपिंग अच्छी चीज़ है, रिवीजन ही होता है। जब उसी चीज़ को आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, उसी को ही पॉलिटी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अब आती है बात बुक लिस्ट की, कि आपको उत्तराखंड की जो जीके है वो पढ़नी कहाँ से है। और यही सबसे मुश्किल प्रश्न है, सबसे मुश्किल प्रश्न इस पूरे एग्जाम में जो सबसे कठिन चुनौती आपके सामने प्रस्तुत हो सकती है वो यही है कि हम उत्तराखंड जीके कैसे कवर करें, कहाँ से, जब इतना डाइवर्स, इतना एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस हमारे सामने रख दिया गया है, तो हम उसको कैसे कवर करें, क्योंकि मेरिट बनने में इसका एक इम्पॉर्टेंट योगदान होगा। यानी कि 50-55 में से आपको करीब करीब 80+ स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको उस मेरिट में आना है। मेरिट कितनी रह सकती है इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और अब जब शुरुआत की है, दोबारा से संभाला है चीज़ को, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में मैं और वीडियोज़ के माध्यम से आपको इन चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो 80% जो है वो आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि एक मेरिट में उछाल आ सकता है। पिछली बार 96-97 के आसपास गई थी, 105 से भी ऊपर चली जाए इस बार की मेरिट तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार वॉर्न कर रहा हूँ उन बच्चों को भी जो अभी इंटरव्यू में बिजी हैं, जो लोअर PCS की ट्रेनिंग में बिजी हैं, जो अन्य एग्जामों में बिजी हैं, कि भाई ठीक है, इंटरव्यू है आपका, अच्छी बात है, लोअर PCS की आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छी बात है, पर जो समय निकल रहा है ना उसको गवाएं मत। बिल्कुल भी इस कॉन्फिडेंस में ना रहें कि पिछली बार हमने प्री निकाल लिया था आराम से तो इस बार भी हमारा हो जाएगा। राइट, ये भूल कभी भी मत करिए। तो सीरियसली अपनी पढ़ाई को आप शुरू कर दीजिए सभी लोग। 80% आपको यहाँ पे स्कोर करना है, 80% से ऊपर। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि बुक लिस्ट कहाँ से लेकर आए इसके। देखिए, इसके लिए मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ें, अगर आपके पास समय है, बाकी सब्जेक्ट में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं आपको बुक वाइज रिकमेंड करूँगा डॉक्टर अजय रावत की किताब।
या फिर प्रोफेसर कठोच की किताब आती है एक, या हंडा की, ये उत्तराखंड की हिस्ट्री और काफी हद तक उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेती हैं। इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप अपनी मेन बुक बनाइए, एक बुक आप रेफरेंस बुक की तरह ले लीजिए अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, राइट। डॉक्टर अजय रावत, प्रोफेसर कठोच या फिर हांडा एंड हांडा की किताब आती है, ये हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी किताबें हैं। बहुत कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वे में उत्तराखंड की हिस्ट्री को लिया गया है, समझाया गया है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि ठीक है हिस्ट्री मेरे लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, पॉलिटी मेरे लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन मैं ब्रशअप करूंगा, एग्जाम की जब डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब मैं उसको पढ़ लूंगा, करंट अफेयर मेरे लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है, उन बच्चों के लिए जो चाह रहे हैं कि मेंस भी उत्तराखंड का कुछ कवर होता हुआ चल ले, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी मेरे पास कुछ स्ट्रैटेजी है। तो हिस्ट्री जो है वो आप इनमें से किसी भी एक किताब से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ठीक है, सरल है, हिस्ट्री को फिर भी निपटाया जा सकता है, हिस्ट्री फिर भी लिखी गई है, उत्तराखंड की अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी। परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी जैसी पुस्तकों पर निर्भर होने की बहुत विशेष आवश्यकता उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए नहीं है। अच्छी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक हैं, समझ में आएगा, अच्छे तरीके से लिखा गया है, राइट। यूके ज्योग्राफी, ये समस्या है। उत्तराखंड ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ी जाए इसको लेकर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, पर इस ही चैनल पर आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी को लेकर वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च करके बनाया गया है। हिस्ट्री के ऊपर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस चैनल पे, मैं चैनल की बहुत तारीफ नहीं करता कि भाई बहुत अच्छा है, ये है, वो है, पर अदरवाइज अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते आए हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे, चैनल प्लस जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये उत्तराखंड तो मैं आपका निपटवा दूंगा, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीग्राम में क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हो, ये उत्तराखंड का जीके में आपका 50 से 55% का, या 50 से 55 मार्क्स का जो है ना वो निपटवा दूंगा, 80-90% तक मैं आपको ये करा दूंगा वीडियोस के माध्यम से। करवाया भी है ना, जिन बच्चों ने काफ़ी टाइम से इसको फॉलो किया है वो जानते हैं, वो समझते हैं, इस पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसको ढूंढ पाना, उसको कलेक्ट कर पाना, कंपाइल कर पाना और उसको समझा पाना उस वे में, ये एक आसान काम नहीं है। चैनल बनाने का पर्पज़ ही यही था कि कम से कम उत्तराखंड जीके जो है, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके लिए बच्चे इधर उधर भटकते हैं, वो समस्या सॉल्व हो पाए। सारा कंटेंट फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है इस चीज़ के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये समाज के प्रति किया गया योगदान है ताकि बच्चों को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा किताबों में भटकना ना पड़े। तो हिस्ट्री इस पे अवेलेबल है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई गई है, चैप्टर वाइज पढ़ाई गई है। लोग देखते हैं इस चैनल पे, पिछले 1-1.5 साल में कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं गई हैं, तब भी इस चैनल की व्यूअरशिप जो है वो 10,000-15,000 व्यूज़ हर महीने के आते हैं। और वो क्यों आते हैं, क्यों चलता है ये चैनल, सिर्फ क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्री है, अभी भी जब मैं कभी कभी बीच में उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो बच्चे बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि सर हिस्ट्री आपने हमारी निपटवा दी। अभी भी लोग देख रहे हैं उन वीडियोस को जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं या अलग एग्जाम में उनको लगता है कहाँ से, तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ मटेरियल, कुछ बुक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि कोई एक बुक तो उत्तराखंड ज्योग्राफी के ऊपर नहीं मिलेगी, पर कुछ चीज़ें आपको परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी जैसी पुस्तकों में मिल जाएंगी, कुछ जो चीज़ें हैं आपको गवर्नमेंट के अपने खुद के रिसर्च पेपर में मिल जाएंगी, जैसे कि उत्तराखंड ज्योग्राफी में यहाँ की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ की जो लेक्स के बारे में आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। हमारी वीडियोज़ उन्हीं पर ही आधारित हैं, जाहिर सी बात है, वो हमने भी कंटेंट इधर से इकट्ठा किया है। या फिर यहाँ की जो मिनरल्स हैं उसके बारे में, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है
वहाँ पर रिसर्च पेपर मिल जाएंगे कि उत्तराखंड में किस किस प्रकार के माइंस एंड मिनरल्स हैं और वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो टॉपिक वाइज आप खुद का मटेरियल भी बना सकते हैं, पर मैं इसके लिए सजेस्ट करूँ कोई बुक ना लेकर आप खुद अपना मटेरियल तैयार करें या इन वीडियोस को देखें। उत्तराखंड पॉलिटी कोई विशेष चैलेंजिंग काम नहीं है। आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, अनुच्छेद वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा उन्हीं आर्टिकल्स के कंटेक्स्ट में उत्तराखंड के सिस्टम को समझ लेना है। यानी कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कितने हैं, प्रोसेस प्रक्रिया सब कुछ सेम ही चलती है। यहाँ कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन है, कितनी एससी सीट्स हैं, कितनी एसटी सीट्स हैं, ये आपको पढ़ लेना है। किसने हमारे सीएम रहे हैं, कितने हमारे गवर्नर्स रहे हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री वगैरह और जो अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति हैं वो कौन हैं, यहाँ के विभिन्न जो आयोग हैं उन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, उन आयोगों का गठन कब किया गया है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, यहाँ की जुडिशरी के बारे में, यहाँ कितने जजेस हैं, चीफ जस्टिस कौन हैं, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी कि जो आप आमतौर पर नेशनल लेवल पर तैयार करते हैं, आप यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। कोई विशेष दिक्कत नहीं है, 10 से 15-20 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, बाकी सिस्टम वैसा ही है। बस थोड़ा सा फोकस क्या करना है कि यहाँ जब हम स्टेट के लिए पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको उन आर्टिकल्स को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है जो स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती या म्यूनिसपैलिटी से संबंधित हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे आप 243 जो आर्टिकल है पूरा का पूरा, वो आपको अच्छे से समझ लेना है कहाँ पर लिखा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनेगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा, तो क्वेश्चन बस इस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि भैया उत्तराखंड स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में वो मेंशनड है, राइट, 243 I, 243 J, K, L, तो वो आपको इस तरीके से जानना है। तो क्या किया जाएगा इसमें, वही क्वेश्चन जो राष्ट्रीय स्तर पे पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी को लेकर, उनको ही घुमाकर उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा, कोई विशेष समस्या नहीं है। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, अगेन हम ये सारी चीजें वीडियोस के माध्यम से कवर कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, ये कंप्लीट करा लेंगे, पर अदरवाइज अगर आप खुद ही पढ़ना चाहते हैं उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के लिए, आप एक तो उत्तराखंड का बजट अच्छे से पढ़िए, है ना, टॉपिक्स निकाल लीजिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे कवर कर लेने हैं, इसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगा। उत्तराखंड का बजट निकाल लीजिए, लेटेस्ट बजट, उत्तराखंड की स्कीम्स को पढ़ लीजिए, उत्तराखंड का जो बेसिक इकोनॉमिक डेटा है, बेसिक इकोनॉमिक डेटा में क्या आता है, यहाँ की जो स्टेट जीडीपी है वो कितनी है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम वो कितनी है, और ये जो जीडीपी है वो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जीडीपी भी देख लेनी है कि भाई रुद्र सबसे कम जो जीडीपी है वो किस स्टेट की है, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट की है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम किस डिस्ट्रिक्ट की है, इस तरीके के डेटा को भी आपको देख लेना है। यहाँ की स्कीम्स, वो स्कीम्स किसके लिए हैं, क्या हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वहाँ पर आपको इन स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए परीक्षा वाणी, परीक्षा मंथन अच्छी किताबों में से आती हैं, ये आर्ट कल्चर को अच्छे तरीके से कवर कर लेती हैं। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी कुछ तक आप ये हिस्ट्री में भी कवर कर ही लेंगे इन किताबों में। इसके अलावा जो बचा कुचा रह जाएगा, फोक डांसेस, म्यूजिक, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, यह आपको परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, या आपको विकिपीडिया में भी बहुत अच्छी सी कवरेज मिल जाएगी कि उत्तराखंड के फेमस टेम्पल्स कौन से हैं, कहाँ पर हैं, पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंच विष्णु, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ये अगेन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए आपको आमतौर पर अगेन वही दिक्कत है कि एक कंसाइज वे में मटेरियल नहीं मिलेगा। फिर भी जब से पिछला उत्तराखंड आया है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल के जो अपनी अपनी मैगजीन्स पब्लिश करने लग गए हैं। इनमें से दृष्टि अपनी मैगजीन पब्लिश करता है, दृष्टि हर महीने का कंपाइल उन्होंने अपने साइट पर डाला हुआ है, मेरी नॉलेज में है, मैंने देखा है, मटेरियल ठीक है, मटेरियल अच्छा है, इनफैक्ट अच्छा है वो मटेरियल। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो बायजूज हों या फिर फिजिक्स वाला हों, इस टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में सबसे बेहतर अगर किसी का कंटेंट है जो जेन्युइन कंटेंट है, वो मुझे इनका लगा है, जिन्होंने बहुत मंथली, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है और सारी चीज़ें उन्होंने कवर करने की कोशिश की है, रिसर्च अच्छी है, तो आप
उन मैगजीन्स को, और वो आपको अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ऑनलाइन मिल रही हैं, डाउनलोड करके उनको पढ़ लीजिएगा और फिर हम भी आपको इसके ऊपर कुछ मटेरियल देंगे, राइट। तो इन दो जगहों से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। हिस्ट्री के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, पर बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मटेरियल को कलेक्ट करने की आवश्यकता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी परीक्षा मंथन, परीक्षा वाणी आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए आप टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स नेशनल लेवल या एक जो ज्योग्राफी की हमारी किताब होती है फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जो टॉपिक है वो आपको उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में आपको पढ़ लेने हैं, राइट। और करंट अफेयर के लिए आप कुछ जो मैगजीन्स आ रही हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन पे हैं बहुत सारी मैगजीन्स। ना पढ़कर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ जाकर इन मैगजीन्स को पढ़ें। कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं लग रही है आपको, तो इस चैनल के पुराने, पास्ट और फ्यूचर जो वीडियोस आने वाले हैं उनको फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी। वीडियोस को बहुत चैप्टर वाइज जो आपके साथ डिस्कस किया ना, उसी तरीके से हम भी पढ़ा देंगे। पॉलिटी में जो कहा गया है ना, उसी तरीके से हम लोग पढ़ा देंगे। और देखा ही आपने, आप ट्राई एंड टेस्टेड है। जब पहली बार था तो दिक्कत थी कि लोगों को कैसे समझाया जाए कि ये चीज़ें काम की होंगी। अब तो आपने उन लेक्चर्स को पढ़ा है ना। जब शुरुआत में नहीं बनाई गई थी तो लोग बोलते थे, अरे इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये क्या आएगा, वो क्या आएगा, पर अब वो टेस्टेड एंड ट्राइड है। अब वो किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आप देखते हैं 70-80% सीधा सीधा उन क्वेश्चन बैंक से आ जाता है जो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं, उन वीडियोस से आ जाता है। और बच्चे अभी भी, चाहे वो इंटरव्यू देने जाएं, चाहे वो मेंस लिखने जाएं, उन वीडियोस को सुनकर जाते हैं, राइट, अन्य अन्य एग्जाम्स के लिए भी। तो ये उत्तराखंड जीके है। तो जो मैंने आपको बताया था पिछले, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, पिछले मैंने समझाया था आपको कि अब आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, अब आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जिस तरीके से स्कूल में होता है ना, स्कूल का टाइम टेबल, एक क्लास होगी हिंदी की, एक इंग्लिश की, एक मैथ्स की, एक साइंस की, एक फिजिक्स की, इस तरीके से 7-8 क्लासेस होती हैं, बीच में लंच ब्रेक होता है, ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है इस एग्जाम के लिए। यूपीएससी और इस एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में डिफरेंस ये रहता है कि आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको ये नहीं पढ़ना होता कि एक टॉपिक के बहुत सारे डायमेंशंस को, बहुत सारे वर्टिकल्स को आप पढ़ें, बस आप उसका जो ब्रॉड आइडिया है वो ले लें। इन एग्जाम्स के प्री के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना 40-45 मिनट्स जो है वो ले लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए, और ऐसे करीब करीब 4-5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, 4-5, ये इतने पार्ट्स में, है ना। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा घंटे नहीं हुए ये, 40-45 मिनट्स, 200 मिनट, 3 या 4 घंटे के आसपास का टाइम निकलेगा आपका, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये 4-5 जो है, मतलब 40-45 मिनट्स उत्तराखंड जीके, 40-45 मिनट्स हिस्ट्री, 40-45 मिनट्स या थोड़ा कम टाइम क्वालिटी के लिए, 40-30 मिनट्स आप उत्तराखंड, सॉरी करंट अफेयर्स के लिए, ये सब चीज़ें करते हुए चल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवोट कर लें। और जैसे उत्तराखंड के लिए आपने 40-45 मिनट्स निकाला है, 7 डेज हैं तो 2 दिन हिस्ट्री के लिए रख लीजिए, 1 दिन ज्योग्राफी के लिए रख लीजिए, काफ़ी है, बहुत, मोर देन इनफ है ना। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल मेरा महीने भर निकल जाएगा तब करूंगा, तब ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। तब तो फिर प्लान बी सी डी आपको आना पड़ता है कि भैया निपटाओ किसी तरीके से, बस क्वेश्चन बैंक या इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर करके इधर उधर से करके निपटा लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। पर अगर आप सिस्टमेटिक वे में आज से ही कर रहे हैं तो बहुत विशेष समस्या नहीं है। 2 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर हो जाएगी आपकी। 1 दिन उत्तराखंड की जो आ, 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 वो है आपका जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी वो पढ़ेंगे, काफ़ी है, सफिशेंट है ना। कई आप ये मान के चलें कि 3 महीने हैं, जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, 15 हफ्ते के आसपास आपके पास मिलेंगे आपको,
और 15 हफ्तों में 15 क्लासेस ज्योग्राफी की, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, एक दिन भी पढ़ेंगे तो कोई बहुत विशेष समस्या आपको नहीं आने वाली है, आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, राइट। इसी तरीके से हफ्ते में एक दिन आप करंट अफेयर को दे सकते हैं, इसी तरीके से एक दिन आप यहाँ की पॉलिटी को दे सकते हैं, एक दिन आप यहाँ की इकोनॉमिक्स को, एक दिन यहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर है उसको दे दीजिए, राइट। 7 डेज का ये शेड्यूल लेकर चाहिए, 40 to 45 मिनट्स। बाकी सब्जेक्ट तैयार हैं तो इस टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, है ना। आधे आधे घंटे के 2 पीरियड्स निकाल लीजिए कि आधे घंटे हिस्ट्री कर लेता हूँ, आधे घंटे करंट अफेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वेटेज के हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इनकी वेटेज 30 नंबर के आसपास बनेगी, यानी कि लगभग लगभग 60% के आसपास की वेटेज जो है वो इनकी हो सकती है। तो आप इसी तरीके से टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो 40 to 45 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर के 2 स्लॉट्स जो हैं वो उत्तराखंड जीके के लिए रख सकते हैं। हाफ एन आवर का स्लॉट जो है वो आप करंट अफेयर, जो बाकी करंट अफेयर है उसके लिए, हाफ एन आवर या 40 to 45 मिनट्स का हिस्ट्री के लिए ये आप स्लॉट रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाकी सब्जेक्ट की बुक लिस्ट के ऊपर। हिस्ट्री अभी भी इम्पॉर्टेंट है, 12 से 15 क्वेश्चन तक रह सकते हैं, जिनमें से एंशंट के 4-5 क्वेश्चन, मिडिवियल के 2-3 क्वेश्चन और मॉडर्न के 6-7 क्वेश्चन आमतौर पर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। फ्लक्चुएशन हो सकती है, एक रफ आइडिया है। इस तरीके से आप पढ़ें, इंपॉर्टेंस भी इस तरीके से है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है, मिडिवियल के लिए किताब मत पढ़िए, किताब पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे, बहुत सारी जानकारी हो सकती है। इसके लिए जो टाटा मैग्रो की किताबें आती हैं या फिर अपना अरिहंत की किताबें आती हैं, जिसमें शॉर्ट में हिस्ट्री लिखी होती है कि भैया कौन सी डायनेस्टीज थी, डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट रूलर कौन से थे, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि कौन सी किताबें होती हैं वो, मेरे को अरिहंत टाइप की जो किताबें होती हैं ना, अरिहंत, है ना। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इन मेरा इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है, पर जाहिर सी बात है जो कुछ अगर ठीक ठाक शॉर्टकट में हो सकता है, पर देख लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, इस टाइप किताब में बहुत प्रकार के एरर हो सकते हैं। एंशंट के लिए एनसीईआरटी अभी भी अच्छी किताबों में से आती है, अभी भी स्टैंडर्ड है, अभी भी एंशंट का रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं मिल पाया है हमें एनसीईआरटी अभी भी। मैं मॉडर्न के लिए अब एनसीईआरटी को प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं मॉडर्न के लिए, चाहे वो यूपीएससी के बच्चे भी होंगे, मॉडर्न के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर एंशंट के लिए अभी भी, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी हो या उत्तराखंड हो, मैं एनसीईआरटी को ही बेहतरीन मानता हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप ये करिए। इंडियन पॉलिटी बराबर की वेटेज है 12 से 15, अरिहंत वो लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम के लिए। बेयर एक्ट आता है वो ले लीजिए। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट में बेसिकली सिर्फ आर्टिकल्स लिखे होते हैं बस, और उनका बहुत छोटा सा माइनर सा एक्सप्लेनेशन होता है। लक्ष्मीकांत जैसी लंबी चौड़ी कहानियाँ इस एग्जाम के लिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आपको गुमराह कर देगी। इतनी मोटी किताब है, आप उसको 3 महीने तो क्या, 6 महीने में भी अच्छे से ख़त्म कर लें, समझ लें, आपके बस की नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बचाव करिए, लक्ष्मीकांत से दूर रहिए, अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है, या यही क्यों स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो लक्ष्मीकांत में मत जाइए। बहुत ही अच्छी किताब तो है, क्या थोड़ी ओवर हाइप्ड है, उतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती है। यूपीएससी के लिए ठीक है, यूपीएससी के लिए कुछ चैप्टर्स, खासकर पार्लियामेंट वाले, उससे पढ़े जा सकते हैं, पर आमतौर पर अगर आप सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लें स्टेट लेवल के लिए तो वो सफिशेंट रहते हैं। तो बेयर एक्ट एक किताबें आती हैं, पीएम बख्शी का एक बेयर एक्ट आता है जो अच्छा है, पीएम बख्शी का आर्टिकल्स और उनका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको
के लिए काफी रहेगा। पर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इसमें नहीं आता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फंक्शंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं, ये बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या हैं, इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है। ये बेसिकली पार्लियामेंट्री फंक्शन का पार्ट है, बहुत आसान है। इसके लिए ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लोकसभा या राज्यसभा, उनको निकाल कर पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको सारी कमिटीज़, उनके फंक्शंस, उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसको मदद मिल जाएगी। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे आप तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एस्टिमेट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, पीएसी में कितने सदस्य होते हैं, पहला कॉन्फिडेंस मोशन कब आया था, एडजमेंट मोशन क्या होता है ना, इस टाइप की चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगी, है ना। नीति आयोग किस प्रकार की बॉडी है, जोनल काउंसिल किस प्रकार की बॉडी है, ये सब चीज़ें आपको बाकी जगहों पे मिल जाएंगी। जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख नहीं होगा। तो इंडियन पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करा दीजिए, हिस्ट्री में भी पॉलिटी में भी, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। जियोग्राफी अगेन, जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, फिजिकल जियोग्राफी बहुत डिटेल में है एनसीईआरटी में, स्टेट लेवल पे फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। टॉपिक बनाइए और उन टॉपिक पे कंटेंट आप टिक करके पढ़ लीजिए। अगेन अरिहंत टाइप के, मेरे को नाम अरिहंत याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, बाकी इस प्रकार से बहुत सारी और भी किताबें आने लग गई हैं। आपको मालूम होगा कि भाई विशेष जो सीरीज आती है ना, जैसे अरिहंत की हो गई, अरिहंत के अलावा किसी का नाम याद आ नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने कभी खुद जिंदगी में इस प्रकार की किताबें पढ़ी नहीं है, पर हाँ देखी हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, समरी में है, काम चलता है। अब 3 महीने का टाइम है ना, कभी लंबा टाइम होता तो मैं आपको बताता कि भाई ज्योग्राफी को आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, पर वैसे ही पढ़ने में ना आपको 6-7 महीने लगेंगे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने मोटी मोटी किताबों से रिसर्च करके इस तरीके से पढ़ा था, इंटरनेट होता भी नहीं था बहुत ज़्यादा, या होता था तो बाहर साइबर कैफे में जाना पड़ता था, तो किताबों से ही पढ़ना पड़ता था, तो और शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तैयारी जब शुरू करी थी तो यूपीएससी ही माइंड में था, तो हर चीज़, और उस समय यूपीएससी मतलब आज का यूपीएससी तो बहुत कठिन हो गया है, उस समय भी कठिन था, पर उस समय बहुत फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का मिक्सचर था। अब यूपीएससी ने फैक्चुअल तो बिल्कुल गायब कर दिया, वो तो पूछ ही नहीं रहे, पहले रट्टा भी मारना पड़ता था और समझना भी पड़ता था, दोनों काम करने पड़ते थे। अब रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया यूपीएससी ने, यूपीएससी ने कहा जो समझ कर आएगा। उस समय हम सारी चीज़ें रटते भी थे, उस समय यूपीएससी पूछ लेता था कि भैया 4 ये स्टेट हैं, इनको पॉपुलेशन के हिसाब से लगा दो, ये 4 स्टेट हैं, इनको आप जो सेक्स रेशियो के हिसाब से लगा दो, तो हम रटते थे उन सब चीज़ों को बैठ कर। वो पूछता था कौन सी माइंड कहाँ पर है, अब ये सब यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है, तो बच्चों ने रटना भी बंद कर दिया, तो इसलिए यूपीएससी वाले बच्चे जब स्टेट का देने आते हैं ना, तो आज वो नहीं कर पाते हैं, हमारे टाइम पे कर लेते थे। हमारे टाइम पे अगर यूपीएससी की तैयारी करता था बच्चा, तो उसके लिए स्टेट की तैयारी करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती थी, चाहे फिर वो यूपी हो चाहे वो उत्तराखंड हो, बहुत चैलेंजिंग नहीं होता था। पर आज के यूपीएससी के बच्चों के लिए स्टेट की तैयारी करना चैलेंजिंग हो गया है, क्यों, क्योंकि वो फैक्ट्स को रटने वाली हैबिट जो है यूपीएससी के बच्चों में वो ख़त्म हो गई है। अब वो समझने पे ज़्यादा, एनालिसिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले यूपीएससी भी पूछता था कि भैया बुकर प्राइज किसको मिल गया, यूपीएससी पूछता था कि किस में किसकी रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक कितनी है, यूपीएससी पूछता था ऑस्कर किसको मिल रहा है, यूपीएससी पूछता था कि फलाने जो एशियन गेम्स हैं उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है, ओलंपिक्स कब होने वाले हैं अगले। यूपीएससी भी पहले इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता था, एनालिटिकल भी पूछता था, आर्टिकल सीधे सीधे पूछ लेता था, 72 में आर्टिकल में क्या लिखा गया है, तो स्टेट भी वही पूछता था, स्टेट पीसीएस। अब यूपीएससी ये सब नहीं पूछ रहा है, पर स्टेट लेवल पे अभी भी ये पूछा जा रहा है, इसलिए यूपीएससी वाले बच्चों के लिए दिक्कत आ जाती है जब तक वो विशेष रूप से स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ना ना शुरू करें। तो अब वो परसेंटेज जो यूपीएससी वाले बच्चे स्टेट निकाल पा रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी कम होता जा रहा है। निकालते हैं, अभी भी निकालते हैं, है ना, पुराने जनरेशन वाले निकालते हैं, नए वाले भी निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, पर थोड़ा दिक्कत है, वो परसेंटेज कम होता है। तो ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी उस टाइप की नहीं पूछी जाती है जो यूपीएससी में पूछी जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए अरिहंत प्रकार की किताबें आती हैं या प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ वगैरह आती हैं है ना, उनको पढ़ लीजिए और आप इसके लिए खुद अपना कुछ कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड वो तैयार कर सकते हैं। कोई किताब पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी के लिए। पॉलिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी तो पढ़िएगा मत, क्योंकि उस पर जो डेटा आता है वो कम आता है। माजिद हुसैन टाइप की किताबों में पढ़ने की, लियोंग में घुसने की आवश्यकता नहीं है। लियोंग आपके काम की है भी नहीं है और वो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, राइट। इसके लिए बहुत सिंपल टाइप की किताबें जो होती हैं वो आपको पढ़ लेने की आवश्यकता है, राइट। करंट अफेयर्स, सिंपल है, कोई भी मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं, कोई भी मंथली मैगजीन जो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जा रही है उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, पर यहाँ पे एक चीज़ पर फिक्स रहिए। बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है ना, करंट अफेयर वो कोई बोलेगा यार आजकल वो वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो उधर भागेंगे, फिर कोई बोलेगा नहीं यहाँ से आ रहा है, फिर वो उधर भागेंगे, मल्टीपल मैगजीन्स को फॉलो करते हैं। नहीं होता ऐसा। कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन जो आपको ऑनलाइन मिल रही है, इजिली अवेलेबल हो पा रही है, आप उसको पढ़ लीजिए। हमारा जो मंथली वाला आता है वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, हालांकि अब तो वो सिलेबस का पार्ट है तो वो अब इजीली अवेलेबल नहीं होता टेलीग्राम पे, सिलेबस का पार्ट है, पर अदरवाइज वो भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स पर मिसलिनियस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिसलिनियस के लिए आपको अगेन मल्टीपल चीज़ों पर रिलाई करना पड़ेगा। इसके टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। स्कीम्स, सारी स्कीम्स जितनी भी आज चल रही हैं पढ़ लेनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिसलिनियस का पार्ट ही होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड कौन हैं वो पढ़ने हैं। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर हैं, बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर एंड हेड, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स एंड हेड, राइट। जहां पर हेडक्वार्टर्स होंगे वहां से आप हेडक्वार्टर पढ़ लीजिएगा। हेड है, जैसे इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो के हेड कहाँ पर है, ये आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में टर्म्स, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, स्पोर्ट के फील्ड्स में जो अवार्ड्स मिले हैं लेटेस्ट, और इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होने वाले हैं, राइट। ओलंपिक्स अब होने वाला है, 2024 में ही ओलंपिक्स होने वाला है, उसके बारे में, पिछला ओलंपिक हुआ था उसके बारे में। करंट अफेयर में नहीं आएगा ये, क्योंकि पिछला ओलंपिक को लेकर डेटा नहीं मिलेगा, पर फिर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आने वाले गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, एशियन गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, इस प्रकार की चीज़ें, कहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ टर्म्स भी कई बार यूज़ में होते हैं, भैया बर्डी किस गेम से एसोसिएटेड है, ड्यूस किस गेम से एसोसिएटेड है, डबल फॉल्ट किस गेम से एसोसिएटेड है ना, बनाना कट किससे एसोसिएटेड है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, ये भी थोड़ा आपको इसमें देख लेने पड़ते हैं। इसके अलावा ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, जैसे कि बहुत सारी ट्रीटीज हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, यूएनएफसीसी के बारे में हो गया, इस प्रकार की जो ट्रीटीज होती हैं जो जिनको दिक्कत चर्चा होती रहती है, रियो कॉन्फ्रेंस होता है, अर्थ समिट होता है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर जो हमारी ट्रीटीज हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुआ है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स, लेटेस्ट वाली नहीं, पुरानी भी हो सकती है, जैसे कि साइलेंट स्प्रिंग, जिसने बहुत ज़्यादा बदलाव लाया हमारे इन्वायरमेंट के लेकर जो हमारी अवेयरनेस है, तो उसके ऑथर कौन हैं साइलेंट स्प्रिंग के, वो आपको थोड़ा सा देख लेने की आवश्यकता होती है। या फिर अमृतसर सेन की कुछ पुरानी किताबें हो गई, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ पुस्तकें हो गई, इस प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा लार्जेस्ट
हाईएस्ट, फास्टेस्ट, खासकर इंडिया के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, और अलग अलग ट्रेन जो हैं वो किस किस प्रकार की ट्रेन्स हैं। सबसे ऊंची जो हमारी सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा, कुछ हाईएस्ट हमारा टेलीस्कोप हमने कहीं इस्टेब्लिश करा हुआ होगा, इस प्रकार का कुछ लार्जेस्ट हाईएस्ट फास्टेस्ट जो है वो आपको पढ़ लेने की। या फर्स्ट है ना, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट जो होता है ना वो भी, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ, ये कई सब्जेक्ट में नहीं आएगा, चेयरपर्सन ऑफ दिस, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया है ना, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन हो गया, इस प्रकार के जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको आपको इसी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता होगी, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको एनसीईआरटी रिकमेंड करूंगा, खासकर लाइफ साइंस के जो चैप्टर्स हैं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको आती है अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर पढ़ना है ना तो शुरुआत से पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसमें बीच में घुसकर एक चैप्टर पढ़ नहीं सकते आप, संभव नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड सा कंटेक्स्ट होता है, कॉज इफेक्ट होता है। तो अब साइंस में कहूंगा अब लोग फिजिक्स के लिए किताब उठा लो, नहीं पागल हो जाएंगे, नहीं समझ में आ पाएगा, कोई फायदा नहीं है उन चीज़ों को पढ़ने का। लाइफ साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिजीजेस के बारे में होता है, वो आप जरूर पढ़ लीजिए, वो एक काम की चीज़ होगी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए किताबें तो बहुत सारी हैं, रमेश सिंह भी है और बहुत सारी उमा कपिला वगैरह प्रकार की किताबें आपको मिलेंगी, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इकोनॉमिक सर्वे। इंडिया का, उत्तराखंड का, राइट, बस इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी ले लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड का ले लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में आपको सारा डेटा मिल जाएगा, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स मिल जाएगी, सारा इकोनॉमिक्स को लेकर जो आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी बहुत सारा इकोनॉमिक्स का हिस्सा आपका करंट अफेयर में भी कवर हो जाता है, राइट। तो शॉर्टकट में अगर बुक लिस्ट को हम देखें, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी, मेडिवियल के लिए अरिहंत जैसी किताब, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, इंडियन पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट लेना है पीएम बख्शी के नाम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना है, ज्योग्राफी के लिए प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल ज्योग्राफी का एक कंपाइल्ड सीरीज आती है वो ले लेनी है, करंट अफेयर के लिए ऑनलाइन मैगजीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की मिल जाती है वो आपको ले लेनी है, मिसलिनियस के लिए किताब नहीं करनी है, खुद मटेरियल तैयार करना है जिसमें स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स, ट्रीटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, लॉन्गेस्ट फास्टेस्ट देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इसमें रेफरेंस ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी में जो लाइफ साइंस वाले चैप्टर्स होते हैं वो पढ़ने हैं, लाइफ साइंस के अलावा जो स्पेस वाला चैप्टर भी है आपको वो भी पढ़ लेना है जिसमें स्पेस की पूरी हिस्ट्री बताई गई होगी, ये एनसीईआरटी में ही गिवन है। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक सर्वे ले लेना है, तो इस तरीके से ये आपकी बुक लिस्ट हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, मोटिवेशन वाला अभी भी पार्ट रहता है पर ऑब्वियसली मैं कंटिन्यूटी में रहूँगा, और कल या परसों या उसके अगले दिन मैं आपको ये भी रिकॉर्ड करके दूंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें अपने उत्तराखंड को डिवाइड करके पढ़ लेना है, हमें किस तरीके से टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेना है और किस प्रकार की बुक लिस्ट को हमें फॉलो करना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत डिटेल में मत पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट की बहुत मोटी किताब मत लेकर आइए, ऐसी किताबों को प्रेफर करिए जो पूरा सिलेबस कवर करते हों और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मेंशन करते हों, ऐसी बुक्स को रेफर करने की आवश्यकता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अब हम रेगुलर टच में रहेंगे।